अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, शहनाज के हेटर्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लगभग उनकी तादाद कम नहीं हो रही और बढ़ते जा रही है। वो किस तरीके से गंदे गंदे मीम्स कमेंट्स करते हैं शहनाज को, आप देख भी नहीं सकते। ये देखिए, जिस तरह से राघव शर्मा के बर्थडे पार्टी पे शहनाज गिर गई, तो बस क्या बवाल ही हो गया। आपको पता है शहनाज ने जो अपने देसी वाइफ शहनाज गिल शो है उसमें जो आउटफिट पहना था, ठीक उसी के ऊपर एक आउटफिट प्लस जो शहनाज ने राघव शर्मा के बर्थडे पार्टी के टाइम पहना था। तो बस क्या, मिल गया हेटर्स को मौका और वो गंदे गंदे मीम्स बनाने लगे कि शहनाज गिल आपकी भोली वाली शहनाज गिल देखो किस तरह के कपड़े पहनती है। तो जी हाँ, हमारी शहनाज तो बहुत अच्छी है और उस पर हर लुक अच्छा लगता है और वो इससे ही स्टाइल कपड़े पहनेंगी। आप लोग अपना काम करो ना हेटर्स, आप अपने घर में देखो, अपने घर का काम करो, शहनाज पे तो आप ध्यान क्यों देते हो। जी हाँ, शहनाज को ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और उसे ऐसे ही बड़े बड़े शो करेंगे और ऐसे ही काम करेंगी और ऐसे ही हार्ड वर्क करेंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि शहनाज ने सुबह में देसी वाइब शहनाज गिल की शूटिंग की और ठीक रात को ही शहनाज राघव शर्मा के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट थी। ये कितना हार्ड वर्क है, शहनाज इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, अपने आप पे भी इतना ध्यान देती है। और आप देख सकते हो शहनाज के हर एक लुक में शहनाज इतनी ज़्यादा प्रीटी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही। तो ये हेटर्स तो जलते ही रहेंगे ना, क्या शहनाज को ऐसी कामयाबी अचानक से कैसे मिली। तो प्लीज़ शहनाज अपनी मेहनत से आगे बढ़िए और उसको हमारे एंजल हमारे सिद्धार्थ का सपोर्ट है, हमारे सिद्धार्थ का प्यार है जो शहनाज किस तरह से आगे लेके जा रहा है। रीता माँ की, शहनाज की फैमिली सब की दुआ है, हम सब फैंस की दुआ है जो शहनाज इस तरह से आगे जा रही है। तो आप लोग ऐसे ही जलते रहिए और हमारी शहनाज ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगी, क्योंकि हम फैंस शहनाज से इतना प्यार करते हैं कि उन तक आपकी हेटनेस आएंगी भी नहीं, ना ही आपकी नज़र लगेंगी। और आपको पता है ना, फैंस ने शहनाज को नज़र का धागा भी बांधा है पैरों में, तो इन हेटर्स की तो नज़र भी शहनाज पे नहीं लगने वाली है। दोस्तों आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, हम शहनाज को ऐसे ही प्यार कर